तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर कैन से जिसने एक ऐसी माइक्रो चिप बनाई है जिसको किसी भी ह्यूमन को सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट करके उसका यूज कर सकता था इस डॉक्टर ने ये चिप एक फॉर्मर ऑफिसर जॉन पर यूज की जिसने इन कार्ड्स को दूर से ही ऑब्जर्व करके बता दिया की कि किस पत्ते पर कौन से जानवर की फोटो छपी है लेकिन जॉन ने फोटोज को ऑब्जर्व करने के अलावा इस बॉडी गार्ड की गन को भी ऑब्जर्व कर लिया था उसी दौरान यहाँ पर इसको जिसे मिला उसने उस गन को छीन लिया फिर ये सब पर अंदाध फायरिंग करने लगा यह देखकर डॉक्टर अपनी असिस्टेंट से बोला कि इसकी चिप को डीएक्टिवेट करो लेकिन अब जॉन पर इनका किसी भी तरह काम नहीं कर रहा था और इसके दूसरे असिस्टेंट एलेक्स ने भी अपनी पूरी कोशिश की लेकिन तब भी ये जॉन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे इन सब के चलते जॉन ने दिव्यांग से वो टेप छीन लिया जिसके थ्रू ये इन चिप्स को ऑपरेट किया करते थे साथ ही हम यहाँ पर एजेंट वाइल्ड को भी देखते हैं वही दूसरे और जॉन वहाँ से निकल एक सिक्योरिटी रूम में पहुंचा जहाँ पर एक कंप्यूटर के साथ साथ जॉन ने उस टेप को से करके अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए क्योंकि अब डॉक्टर केन उसे ऑपरेट नहीं कर पाएगा यह देखकर एलेक्स और कैन दोनों बहुत ज्यादा शॉकिंग हो गए क्योंकि उनका एक रिसर्च ऑब्जेक्ट मतलब की जॉन अब मुजरिम बन गया जॉन इतना इंटेलिजेंट था की फोर्स के आने से पहले ही लैब से एग्जिट हो गया उसी दौरान डॉक्टर केन ने ये देखकर एक मीटिंग रखी और इस मीटिंग में वो लोग आए थे जो इस प्रोजेक्ट पर अंधाधुन पैसा बरसा रहे थे और ऐसे लोग थे माफिया और बड़े बड़े ऑफिसर जिसमे की एक ये फॉर्मर सेनेटर बैनसन था और इसी का चेला मिस्टर टाइटिट भी था अब डॉक्टर केन उन्हें यहाँ पर विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था की हम लोग जल्दी जोन को ढूंढ लेंगे जो की असल में जोन को ढूंढना इतना आसान नहीं है क्योंकि ना ही जोन का कोई दोस्त था और नाई कोई फैमिली थी अब कहानी बताई जाती एक महीने बाद की हम यह एजेंट वाइल्ड को देखते हैं, जो कि मरीना नाम की खत्म करना चाहती थी वही दूसरी ओर हम जॉन को देखते है जो की बैठ कर एक बार में पहुंचता है यहाँ पर वो सारे लोगो को स्कैन करने के बाद जैन नाम की एक लड़की के पास आया यहाँ पर जैन पहले तो उसे बात तक नहीं करना चाहती थी लेकिन जॉन ने कहा कि अगर तुम मेरी एक स्टोरी सुनोगी तो मैं तुम्हें अपनी दे दूंगा लैम्बरगिनी का नाम सुनते ही जैन बात करने के लिए मान गई देखा ना आप लोगों ने लड़कियाँ कितनी लालची होती है अब जॉन ने जैन के साथ पर थोड़ी फ्लोटिंग करना शुरू कर दी जबकि वह नहीं जानता था की अगर वह लेम्बरगिनी दे भी देगा तो भी कुछ नहीं होने वाला है फिर भी उसने फ्लोटिंग करते हुए जैन को बताया की मैं एक माइक्रोचिप्स एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट हूँ जो की मैं अपने एक्सपेरिमेंट के बीच में भाग आया हूँ यह बात सुनकर जैन का थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ गया लेकिन जॉन अपने बारे में बताने से पहले उनके बारे में बताएगा जो की बारी बारी इस प्रोजेक्ट में आते गए तो सबसे पहले ये एजेंट हान के बारे में बताता है जिसको सेनेटर बैनसन वियतनाम से खरीद कर लाया था फिर डॉक्टर केन ने हान पर अपने एक्सपेरिमेंट किए जब हान उस एक्सपेरिमेंट में पास हो गए तो बैनसन ने अपने एक दुश्मन के घर में उसे फाइल लेने के लिए भेजा जैसे ही हान उस घर में गई तो उसका पीछे बैनसन का दुश्मन भी पहुंच गया फिर तो यहाँ पर इन दोनों की खतरनाक तरीके से लड़ाई शुरू हो गई यहाँ पर हान ने अपनी चिप लगी होने का प्रूफ देते हुए उसे बहुत बुरी तरीके से मार मार कर जान से खत्म कर दिया जैसे ही उसका मिशन पूरा हुआ तब वो अपने रियल इमोशन में आ गए किसी की भी जान लेकर बिल्कुल खुश नहीं थी अगले दिन ये बात जब बैनसन को पता चली तो उसने हान को जान से मरवा दिया तभी जॉन ने जैन को एक दूसरे एजेंट रोमन के बारे में बताया जो की बिल्कुल वो जॉन जैसा था मतलब की उसकी भी कोई फैमिली और न कोई दोस्त था डॉक्टर कैन के टेस्ट के बाद रोमन को एक कोशियन माफिया बॉस कैटरो ने खरीद लिया एक दिन जब कैटरो के असिस्टेंट मरीना ने उसके लैपटॉप में उस माइक्रोचिप डेटा को देखा तो वह उस डेटा को अपने पेन ड्राइव में कॉपी करने लगी क्योंकि उसे ये प्रोग्राम मैथिकली सही नहीं लग रहा था कॉपी करने के बाद जब वो यहाँ से निकल ही रही थी तभी उसके बॉस ने आकर उस पर गन पॉइंट कर दी उसे पकड़ कर बोला की इसे हमारे पार्टनर के पास भेज दो वैसे भी उसे इसकी जान चाहिए थी अब मरीना को इधर से उधर भेजा जाने लगा इसी बीच इन सारी चीजों को रोमन ने भी देख लिया था उसी दौरान उसने वहाँ जाकर उस आदमी को मार कर मरीना की जान बचा ली जिसके बाद मरीना ने वह पेन ड्राइव एक लॉयल ट्रस्टेड एजेंट वाइल्ड को दे दी लेकिन जैन को अब तक यहाँ पर यह समझ नहीं आ रहा था की आखिर जॉन उसे ये सब कुछ क्यों बता रहा है क्योंकि तो अभी तक उसे भी ये नहीं पता की ये सारी आगे कैसे कनेक्ट होगी अब उसने बताया की बैनसन नेविलियन वि माइक्रोचिप टेस्ट करवाया था बाद बैंसन जिसके बाद बेंसन के चेले मिस्टर ने जॉन का जो की एक स्पेशल फोर्स का मेंबर होने की वजह से वह अपनी कंट्री के लिए कुछ भी करने को तैयार था लेकिन एक दिन जब उसकी मुलाकात डॉक्टर कैन की चेले वेबयान से हुई मनाने का तरीका इतना कैजुअल था की कोई कैसे मना कर सकता था तो वेबयान ने उसे उस माइक्रोटिप प्रोग्राम को ट्राई करने के लिए मना लिया तब डॉक्टर केन ने जॉन को यही कहा था कि तुम इस प्रोग्राम से तुम इस देश के लिए और भी ज्यादा भला कर सकते हो लेकिन जॉन ने तो उल्टा उस ग्लेब के अंदर आतंकी मचा दिया जो की आपने कहानी के शुरू में देखा था और ये सब करने की वजह हमें कहानी में आगे पता चलेगी लेकिन जब वो यहाँ से भागा तो उसका सामना कुछ बाकी सब्जेक्ट से भी हुआ था अभी तक तो ये सब आराम से सो रहे थे लेकिन तभी अचानक एक ऑब्जेक्ट ने जोन पर हमला कर दिया जिसको जैसे तैसे करके जोन ने शांत किया था कि इतने में भी बाकी के तीन सब्जेक्ट भी उठकर उस पर टूट पड़े यहाँ पर यह दो सब्जेक्ट काफी खतरनाक तरीके से लड़ रही थी लेकिन जॉन उन सबको घायल करके वहाँ से निकल गया अभी के लिए जॉन ने जैन से एक बात छुपा ली क्यूँकी अब उसने जैन से पूछा की आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो जैन ने बताया की मैं एक ऑफिस में काम करने वाले नॉर्मल इंसान हूँ और मैं यहाँ पर एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी ये सुनते जॉन ने उसे बताया कि असल में उन सबको मारने के बाद मैंने कंप्यूटर से जो कोड भेजे थे उनसे मैंने ये किया कि जिस सब्जेक्ट के अंदर ये चिप लगी थी अब वो अपने ही ऑनर से इसका बदला लेंगे जैसे ही विंडी को कमांड मिली उसने मिस्टर टैटेट को जान चाकू मार कर उसे खत्म कर दिया लेकिन अब बचा था बैंसन बैंसन के बारे में हमें आगे पता चलेगा लेकिन अभी जॉन ने बताया कि जब वो फर्स्ट टाइम उस लैब से विजिट होकर आया था तो उसके पास एक एजेंट वाइल्ड पहुंची थी जो हमेशा से डॉक्टर कैन के इस प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी इसीलिए उसने जॉन को मरीना के धीरे हुए पेन ड्राइव दी ताकि वह इस पेन ड्राइव के डाटा को रीड करके इस प्रोग्राम से बाहर आ सके अब हमें यहाँ ये तो पता चल गया की जॉन लेब से बाहर कैसे आया लेकिन बैंसन को किसने मारा था ये बात भी जॉन ही बताएगा असल में जॉन के इस होटल में आने का असल रीजन बैंसन को मारना ही है तब ये सुनकर जैन सो की और कहने लगी क्या तुम कुछ भी बोले जा रहे हो जॉन कहने लगा कि अगला नंबर तुम्हारा तभी जैन कहने लगी कुछ भी नहीं है ऐसा जॉन कहने लगा कि मैं एकदम सच बोल रहा हूँ जब मैं उन सब्जेक्ट के रूम में गया था तो वह उसे जैन के नाम से भी एक बेड दिखा इसीलिए जॉन ने जैन को बैंसन का मारने का कमांड दिया इस कमांड के मिलते ही जैन ने बैनसन से मिलने का प्लान किया क्यूँकी कि बैंसन जैन के साथ काफी फन करता था जब जैन जैसे ही बैंसन के पास फन करने के लिए गई तो वही उस कमांड के अकॉर्डिंग जैन ने बैंसन को जान से खत्म कर दिया इसी बीच उसके बॉडी गार्ड अंदर आया तो जैन ने उसे अपनी थाई में दबा ही जान से मार दिया तब ये सुनते ही जैन काफी शौकीन हो गई और सोचने लगी आखिर इसको ये कैसे पता फिर वो से उठकर वॉशरूम में चली आई जहाँ उसके पीछे भी पहुंच गए यहाँ पर इसने जैन को एक इलेक्ट्रिक डिवाइस दिया और कहने लगी कि इसे तुम उसकी चिप निकाल सकती हो ये सुनकर जैन जैसे ही बाहर आई लेकिन तब तक जोन यहाँ से जा चुका था उसी दौरान यहाँ पर डॉक्टर केन के चेहरे एलेक्स ने जैन को बिल लाकर दिया तभी बिल के साथ साथ यहाँ पर जॉन भी आ गया तब जैन ने पूछा कि आखिर वो टेप कहा है ये सुनकर उसने बताया कि वो टेप मैंने एजेंट वाइल को दे दिया जो कि उस टेब से वो सभी सब्जेक्ट को मार देंगी ताकि कोई भी उनका महसूस यूज ना कर सके लेकिन सब्जेक्ट तो खुद जैन और जॉन भी थे लेकिन जॉन यहाँ पर इसीलिए नहीं मर सकता था क्योंकि उसने अपने कोड बदल दिए थे और जैन भी क्यों नहीं मरेगी हमें ये कहानी में आगे पता चलेगा जैन ने यहाँ से जाने से पहले जैसी बिल रिसिप्ट देखी यहाँ एक स्कैनर को स्कैन कर थे जैन दोबारा से डॉक्टर के के बस में आकर जॉन पर अटैक करने लगी इसी बीच यहाँ परिव्यान एलेक्स और बाकी सोल्जर्स भी आ गए तभी जॉन ने अपनी चिप की पावर दिखाकर इन सभी को मारने लगा उसी दौरान पर ने जोन पर विवियन ने जॉन फायरिंग कर दी जिस वजह से जॉन अब यहाँ पर घायल हो चुका था अब विवियन गन पॉइंट करते हुए जॉन के करीब आई अचानक ही जॉन ने विवियन से गन छीन कर एलेक्स को शूट करके जान से खत्म कर दिया लेकिन इसी बीच जैन ने उसकी वो चिप निकाल दी अभी से भी जॉन को डॉक्टर

हो जाती है वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। दोस्तों मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही जल्द मेरे वन के सब्सक्राइब लाजमी करवाएंगे और आप चैनल को लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में